मेरा ये हमेशा मानना रहा है कि जिंदगी में जो बातें हम किसी से कह नहीं पाते उन्हें एक खत में लिख देना चाहिए। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और नयन तिवारी ने बीते कुछ दिनों में मुझे एक खत भेजा था। मुझे लगा इसे आपके साथ साझा करना चाहिए और इसीलिए इस खत को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ये लिखते हैं अपनी प्रेमिका के नाम कि बहुत दिन हो गए कुछ लिखे हुए। नहीं नहीं, भुलाया नहीं है मैंने, बस खुश दिखने की आदत डाल ली है। मुझे याद है कॉलेज का वो दिन जब पहली बार तुझे देखा और यार कमाल ये हुआ कि फिर उसके बाद किसी और को नहीं देखा। यूं तो एक अरसा हो गया तुझे गए हुए, लेकिन ऐसी कोई रात नहीं आई जब सोने से पहले तेरी याद नहीं आई। तुम क्यों गई नहीं पता, कभी वापस आओगी नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे वो सारे वादे जो मैंने किए थे तुम्हारे साथ जीने के, वो आज भी जिंदा हैं और हमेशा उनमें जान रहेगी। अब उम्र का एक दौर खत्म होने को आया है। गलतियां सुधार कर गलियों को बदल लिया, रास्ते भी बदल गए, शहर भी छोड़ आया, लेकिन तेरी यादों का पिटारा आज भी संभाल कर रखा है। देख यार, वैसे तो गणित में बहुत कमजोर था मैं, लेकिन अपनी आंसुओं से गुजारी रातें, तुझे याद कर अकेले में गुनगुनाती सुबहें और बेवजह प्रार्थना में जुटे दोनों हाथों से आसमान को निहारते शामों को गिन कर देखा तो हिसाब आया कि तुझे जाने और मेरी मोहब्बत की बरसी भी बीत गई। तुझे मेरी आदतों से अक्सर शिकायतें थी। मैं हर किसी को देखकर बनावटी मुस्कुराता रहता हूं, ये तुम कहती थी, लेकिन एक सच ये भी भुलाया नहीं जा सकता कि मेरे आंसू सिर्फ एक ही लड़की के लिए निकले। मैं तुझे पाने के बंद दरवाजे देखकर कई बार लौट आया, लेकिन वापस आने की गुंजाइश की खिड़की में कुंडी नहीं है सोचकर आज भी वहीं खड़ा हूं जहां तूने अकेला कर दिया था मुझे। वैसे तेरे जाने के बाद मैंने खुद के हालात और आदतें जो कर ली हैं उसमें तेरा दूर जाना ही बेहतर है, लेकिन उस रात की कल्पना करता हूं तो कलेजा फट जाता है जब कोई और तुझे अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएगा। फिर याद आता है तेरी ओर से किए गए वादों का ख्याल रखना है। ठीक है, मैं तेरे आने की सारी उम्मीदों को खत्म करके अपनी मोहब्बत की किताब अंतिम पन्ने में लिखकर इस किताब को हमेशा के लिए बंद करने जा रहा हूं। अब हम कभी नहीं आएंगे, नहीं हार नहीं मानी है, बस मैदान पर बने रहने का वक्त खत्म हो गया। माँ बाप का इकलौता सहारा होना, इसीलिए खुद का स्वार्थ त्याग कर एक और जिम्मेदारी पूरी करने की तैयारी कर रहा हूं। शायद अब कभी ना दिखे हम लोग, शायद बात तो दूर किसी और की चर्चाओं में हमारा जिक्र तक ना हो, शायद अब तेरे ख्यालों को भी आजाद कर दूं, लेकिन एक बात हमेशा सही रहेगी जो कभी नहीं बदलेगी, वो ये है कि मोहब्बत बहुत की थी मैंने तुमसे। हमारा ना मिलना शायद मेरी बदकिस्मती है। तो ये किस्सा लिखा था नयन तिवारी ने, जो एक खत के रूप में मुझे भेजा था। उम्मीद है अगर ये जिसने सुना है और जिसके दिल तक पहुंचा है उसी के लिए लिखी गई बात हो तो बहुत अच्छा हो। चलिए अब अपना ख्याल रखिए, अगली महफिल में कुछ और नई कहानियों को लेकर के आएंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कॉमेंट करके, और शुक्रिया मोहब्बत देने के लिए। ऐसे ही मोहब्बत करते रहिए। धन्यवाद।